मेरी बात समझने की कोशिश क्या समझू राजवीर, मेरे पास समझने के लिए बचा क्या है? मैं कुछ नहीं समझना चाहती, मैं इतना चाहती हूँ कि मरने से पहले ही बस ये आखिरी पल जीने दो तो मुझे तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं चाहिए। जी लो, जी लो ना ये पल, क्या पता कल ये पल हो या ना हो। राजवीर से तुम्हें इतना प्यार हो गया ऋतु? हाँ, तुम दोनों की लव स्टोरी में मैं एक विलन आ गई हूँ ना। राजवीर से इतना प्यार करती हो कि राजवीर तुम्हें नहीं मिला तुम उसके लिए अपनी जान तक देना चाहती हो, मर जाना चाहती हो। परी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं हैंडल कर रहा हूँ, प्लीज जाओ यहाँ। मैं क्यों जाऊँ? राजवीर तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तो इसकी मदद करने आई हूँ, ये मरना चाहती है ना। एक मिनट, ये लो। अरे क्या, ये लो। अरे नहीं, क्या कर रही हो, छोड़ो इसे। अरे क्यों, लो ना, तुम मरना चाहती हो ना, ये छुरी भी तो तुम्हारे घर पे ही है, ले लो। कलाई मत काटना, इसे अपने गले में रखो ना, और ऐसे ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे गले पे दबा के रखो, और जब तक आंखों के सामने अंधेरा ना हो जाए ना तब तक इसे निकालना मत, फिर ये छुरी अपना काम कर देगी। नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही हो तुम? अरे राजवीर एक मिनट, तुमने सुसाइड नोट लिखा? नहीं लिखा है? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ओरिजिनल सुसाइड नोट भी लिख दूंगी, डन। ठीक है, लो। क्या हुआ, डर गई छुरी से? डर गई? क्या बकवास किए जा रही हो, वो एक तो पहले से परेशान है, ऊपर से तुम। ऊपर से क्या, ऊपर तो ये जाना चाहती है ना रितु, तो मैं इसका काम आसान कर रही हूँ। नाटक कर रही है ये सब राजवीर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इसकी आंखों में कितनी बड़ी धोखेबाज है ये और उसका भाई दोनों मिलके ये सब प्लानिंग कर रहे हैं, तुम्हारे पैसों के पीछे पड़े हुए हैं ये दोनों। धोखा तुमने दिया था परी थी, तुम मेरी जगह दुल्हन बनके मंडप में बैठी थी, और राजवीर क्या मेरे बीच में आ गई? बीच में ही तो आई हूँ, बीच में तो आना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम जैसे धोखेबाजों को अपने पति की जिंदगी से दूर कर रही थी, इसीलिए बीच में आई हूँ मैं। क्या ये सब नाटक, फोन करके इसे बुलाया तुमने कि तुम सुसाइड करने वाली हो? जिसे मरना होता है ना, सुसाइड करना होता है ना, वो ये सब ढोंग नहीं करता है, पूरे दुनिया में अपने नगाड़ा नहीं बचाता कि आओ देखो मैं सुसाइड करने वाली हूँ, टेलीविजन पे टेलीकास्ट करो। क्या ये सब नाटक, आ गया ना राजवीर, बुलाया था ना तुमने उसे कि तुम सुसाइड करने वाली हो, उसे यहाँ पे होना चाहिए तुम्हें देखने के लिए, तो बिन बुलाए मेहमान भी आ गए, मैं भी आ गई हूँ, करो ना सुसाइड, किस बात का इंतजार है तुम्हें? क्या हुआ, डर गई? नहीं करना सुसाइड, प्लान कैंसिल। रितु अगर आज तुमने सच में राजवीर के प्यार में अपनी जान दे दी ना, तो मैं सच्ची कसम खा के कहती हूँ, मैं तुम्हारी चिता के सामने ना बैठकर पूरी रात रोऊंगी, माफियां मांगूंगी, और जिंदगी भर अफसोस करूंगी कि तुमने राजवीर के प्यार में जान दे दी अपनी। सच में एक बात बताना मुझे, तुम भूल गई कि मैं राजवीर की पत्नी हूँ? भूल गई? भूल, ये पति है मेरा, ये मेरा। हाँ हाँ, किसे भूल जाती हो तुम? छोड़ोगे नहीं, छोड़ो। Enough is enough. बहुत हो गया। ऐसे कैसे बात कर रही हो तुम रितु से? पूरी दुनिया को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकती तुम। तुम्हारा असली चेहरा ना मैं सबके सामने लाख कर ही रहूंगी। सुबह समझाया था ना तुम्हें कि सुधर जाओ, लेकिन नहीं सुनी ना मेरी बात। अभी शाम को फिर से समझाती हूँ कि सुबह का भूला शाम को सुधर जा। 5 फीट दूर रहना मेरे पति से, सुना? नहीं तो जिस 5 फीट जमीन पर बैठी है ना, वो जमीन तेरे पैरों के नीचे से खींच लूंगी मैं, सुना तूने? और अगर होगा ना मेरे बस में तो तेरी जान ले लूंगी मैं। चलो यहां से, चलो। साबित क्या करना चाहती हो? वही जो तुम देख नहीं पा रहे, या फिर तुम देखना ही नहीं चाहते, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राजवीर। नहीं, मेरी अगर प्रॉब्लम कोई है ना, तो वो तुम हो, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। अरे तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस आने की जरूरत ही क्या थी? पहले चली गई थी तो सब कुछ एडजस्ट किया, अब तुम वापस आई हो तो भी एडजस्ट कर रहा हूं। एनीवे, सिर्फ बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। राजवीर,
क्यों? एक बार शांति से आराम से मेरी बात नहीं सुन सकते हो क्या तुम? इतने दिनों से मैं बोली जा रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ बोलना है, कुछ बताना है। उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना राजवीर, झूठ बोलने का, तुम्हें छोड़ के चले जाने का इल्जाम लगा दिया है। तुम प्यार करते हो मुझसे? सिर्फ कहने से प्यार नहीं होता है राजवीर, प्यार एक विश्वास होता है। विश्वास नहीं तो प्यार नहीं, विश्वास है तो प्यार है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, यही बोलोगे ना? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसी बात का रट्टा लगा रखा है तुमने। बार बार एक ही बात बोलते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन पता है तुम्हें राजवीर, ये बात बोलने से पहले तुम्हारी शक्ल पे मुझे पता चल जाता है कि तुम्हारी बात सच्ची है या झूठी। बोलो मुझे, झूठ बोल रहे हो ना तुम? गैरों से कह सकते हो कि मुझसे प्यार करते हो और करते रहोगे, लेकिन एक बार तुमने मुझसे नहीं कहा राजवीर। क्यों? आज सुबह मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी राजवीर, उस लड़की से तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन एक बार मेरा हाथ पकड़ के लड़ झगड़ के पूछ तो लेते क्या हुआ था, क्यों गई थी, क्या बोलना चाहती हूँ तुमसे। नहीं, नहीं पूछा ना तुमने। अच्छा तो बताओ क्यों छोड़ के चली गई थी मुझे? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो मुझे मुझे छोड़ के उससे चुना तुम? मैं छोड़कर नहीं गई थी राजवीर, मैं नहीं जानती थी कि मेरे जाने से यहाँ क्या हो रहा है या क्या हो जाएगा। तुम्हारी जान बचाना चाहती थी और आज भी तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे पे है। और मैं ये ऋतु की बात नहीं कर रही हूँ, सौदामिनी की बात कर रही हूँ मैं। हाँ सौदामिनी, हीरा बाबा ने उस दिन टिप्सी पर जो विभूति डाली थी ना, वो सौदामिनी से पीछा छुड़ाने के लिए डाली थी। सौदामिनी कहीं नहीं गई, वो वापस आ गई है और टिप्सी की डॉल में थी। उसने टिप्सी की डॉल को अपनी वश में कर रखा था, टिप्सी से जो बोल रही थी वो टिप्सी कर रही थी, वो टिप्सी के जरिए सब कुछ करवा रही थी घर पे। लेकिन तुमने तो यकीन नहीं किया ना, और उसी ने तुम्हारे ऊपर एक बुरा साया छोड़ दिया है राजवीर। हाँ मैं सच कह रही हूँ, और जब वो बुरा साया तुम्हारे अंदर होता है ना, तुम अपनी सुध बुध सब खो बैठते हो, तुम एक जल्लाद बन जाते हो। सुबह तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं कल रात मंदिर में क्यों सो गई थी, तो सुनो, कल रात तुम मुझ पर हावी हो गए थे राजवीर। इसलिए मैं मंदिर में थी उस दिन भी, जब मुझे तुमने मारने की कोशिश की, वो तुम नहीं थे, वो बुरा साया था। मैं जानती हूँ तुम मेरी बात नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, बोलोगे ये सब है ही नहीं क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन आज मैं ये सब साबित करके रहूंगी कि जो मैं कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। मुझे बताओ सुबह जब तुम उठे थे तो कहाँ थे तुम? मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सो गया था, वहीं मेरी रात को आंख लग गई थी। आंख लगने से पहले तुम्हें याद है कि रात को क्या हुआ था, सोने से पहले क्या हुआ था? मैं वो टिप्सी के लिए, एक सेकंड, दादी के लिए चाय बनाई थी मैंने। शाम को चाय बनाई थी तुमने राजवीर, बस यही याद है तुम्हें राजवीर? उसके बाद तुम अगले दिन उठे हो, रात को क्या हुआ तुम्हें याद है? तुम्हें कुछ याद नहीं है राजवीर, तुम्हारे अंदर वो बुरी आत्मा थी, वो बुरा साया। मान लो मेरी बात राजवीर और चलो यहाँ से, शाम होने वाली है, वो साया कभी भी तुम्हारे अंदर फिर से आ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि इस बार कुछ बुरा हो। प्लीज मेरी मदद करो, हेल्प मी, मैं चाहती हूँ कि ये बुरा साय हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चला जाए। चलो मेरे साथ राजवीर मंदिर चल। मंदिर? अगर तुम मेरे साथ मंदिर जाओगे ना, तो वो बुरा साया वहां तक नहीं आ सकेगा। आज की रात आपको राजवीर को एक मंदिर में रखना होगा। मैंने कहा कि सौदामिनी को परिधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आज के बाद परिधि सौदामिनी के पास आएगी, रोगी तड़पोगी, गिड़गिड़ाओगी, अपना नाक रगड़ोगी मेरे कदमों में, लेकिन मैं तुम्हें वो मौत भी नसीब नहीं होने दूंगी। मुझे मौत से डर नहीं लगता राजवीर, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है, इस परिवार की चिंता, और मैं नहीं चाहती कि किसी पर कोई भी मुसीबत आए। परिधि प्लीज मेरी बात मान लो, चलो यहाँ से। शाम होने वाली है राजवीर, तुम चलो जल्दी मंदिर, चलो मेरे साथ। मैं उस परिधि को नहीं छोड़ूंगी कबीर, मैं बार बार राजवीर को अपने पास लाने की कोशिश करती हूँ और वो परिधि बार बार राजवीर को मुझसे दूर लेके जाती है। मैं राजवीर को नहीं खो सकती, बिल्कुल नहीं खो सकती, और इतनी मेहनत के बाद नो वेज, मैं अपनी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी कबीर। राजवीर तेरे हाथों से कहीं नहीं जाने वाला, वो परिधि, वो चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, उसके हाथ कुछ नहीं आने वाले। नहीं कबीर, जब तक वो परिधि मेरे और राजवीर के बीच आती रहेगी ना, तब तक राजवीर मेरा कभी नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता है, वो राजवीर आज भी परिधि से प्यार करता है। तुम्हें पता है, राजवीर परिधि से ज्यादा किससे प्यार करता है? अरे उसका ये प्यार हमारे कब्जे में है।
लगता है उसके प्यार पे हमें वार करना पड़ेगा, तब जाकर राजवीर उसे धक्के मार कर घर से बाहर निकालेगा। एक बार परिधि घर से आओ तू इन, फिर तेरी एंट्री पक्की है बहना। बाबा जी। हाँ बोलो बेटी। मैं आपके कहने पर राजवीर को अपने साथ मंदिर ले आई हूँ, अब आप पूजा शुरू कर सकते हैं। मेरी पूजा पूरी होने तक तुम दोनों को मंदिर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, हम लोग पूजा होने से पहले मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे, हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। पूजा शुरू कर रहे हैं बाबा जी। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप?